हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करते हैं डिलीवरी रूम के बारे में, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। तो जैसे ही आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगी तो सबसे पहले आपका चेकअप होगा, जिसमें आपका सबसे पहले वेट चेक किया जाएगा एंड उसके बाद में आपका बीपी चेक किया जाएगा एंड उसके बाद में अगर डॉक्टर को जरूरी लगता है तो वो हो सकता है आपकी एक सोनोग्राफी भी करें, जिसमें वो देखेंगे कि बच्चे की पोजीशन कैसी है, पानी का लेवल कैसा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है और बच्चे ने गले में गर्भनाल वगैरह तो नहीं फंसा रखी है। तो ये सारी चीजें डॉक्टर बिल्कुल क्लियर करेंगे एंड उसके बाद में आपके बच्चे की जो है फेटल हार्ट रेट भी चेक की जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे की धड़कन कम तो नहीं हो रही है या बच्चे की धड़कन बहुत ज्यादा हाई तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने के बाद में सब कुछ अगर नॉर्मल आता है तो फिर डॉक्टर जो है आपको एडमिट कर लेंगी। यहाँ पे मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आपको जो है अपने प्राइवेट पार्ट के एक्स्ट्रा जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करके ही जाना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो हेयर रिमूव करने हैं वहां पे कोई भी केमिकल वाली क्रीम यूज ना करें एंड कोई भी प्रोडक्ट ना लगाएं, इससे बच्चे तक इन्फेक्शन बिल्कुल पहुंच जाएगा एंड आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिससे जेंट्स लोग अपनी शेविंग करते हैं, आप उसी के थ्रू अपने हेयर को रिमूव करें, अदरवाइज आप कोई भी प्रोडक्ट ना लें, वहां पे भी वही चीज यूज होती है और इसके अलावा कोई भी चीज यूज नहीं होती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें एंड 9 मंथ में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी खुद से रिमूव करने में, बिकॉज वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचता है, तो आप अपने हस्बैंड की मदद ले सकती है। इसके बाद में आपको जो है डिलीवरी रूम में ले जाएंगे। रूम में ले जाने के बाद अगर आपने अपने हेयर वगैरह रिमूव नहीं किए हैं, वहां पे कुछ नर्सेस वगैरह होती हैं जो आपके जो है हेयर को बिल्कुल रिमूव कर देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है एंड आपको वहां पे बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए बहुत ही नॉर्मल होता है और ये उनका हर समय का काम रहता है और हेयर रिमूव इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि जिससे कि बच्चे के पास कोई इन्फेक्शन वगैरह ना पहुंचे एंड जब बच्चा बाहर आता है तो बाल वगैरह ना खींचे जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। एंड उसके बाद भी जो है आपका प्राइवेट पार्ट का चेकअप होगा, जिसमें डॉक्टर आपको क्लियर करेंगी कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जब आपकी फर्स्ट टाइम पे डिलीवरी होगी तो कम से कम आपको 17 से 18 घंटे इजिली लग जाते हैं एंड कुछ लोगों को इससे कम भी टाइम लग सकता है, जैसे 12 से 15 घंटे, क्योंकि पहली बार में बच्चेदानी का जल्दी नहीं खुलता है, उसको खुलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे आपका दर्द बढ़ेगा धीरे धीरे वैसे ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी ये सेकंड डिलीवरी है तो आपको 8 से 9 घंटे का ही टाइम लगेगा एंड इजिली हो जाएगा। और पहली बार में मैं आपको बता दूं, ना भी दर्द हो आपको लेकिन बच्चेदानी का मुंह खुलने के लिए काफी हद तक खुल जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को जो है दवाई का यूज करना पड़ता है जो वजाइना में रखी जाती है, जिसके थ्रू अच्छे से मुंह ओपन हो जाता है एंड बच्चे को जो है इजिली बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे को बाहर निकालने के लिए कम से कम 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत जरूरी होता है, इससे अगर कम मुंह खुलता है तो फिर जो है बच्चे को बाहर करना संभव नहीं होता है। आपका चेकअप करने के बाद अगर आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे खुलने में तो डॉक्टर आपको क्लियर कर देंगी कि आपको जो है आराम करना है एंड आपको दर्द लेते रहना है। और जैसे जैसे आपका दर्द बढ़े तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको दर्द लेट के नहीं लेना है, आपको दर्द बैठ के नहीं लेना है। आपको जब भी दर्द आए तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टहलें एंड आपको जब बहुत तेजी से दर्द आए तो आप जो है घुटनों के बल बैठ के दर्द को नीचे को प्रेशर दें, नीचे को सांस दें। जैसे ही आपका दर्द आए वैसे आपको नीचे को इस तरीके से प्रेशर देना है कि जैसे आप पोटी वगैरह पास करते हैं, जब वो कब्जियत वगैरह पेट में हो जाती है तो नहीं इजिली होती है, तो उस तरीके से आप बहुत सारा प्रेशर लगाते हैं। ये समझ लीजिए आप कि आपके अंदर कुछ है उसको बाहर करना है कैसे भी करिए। तो आप जब बहुत कसके जितनी जल्दी नीचे को ताकत लगाएंगी तो क्या होगा, इससे उतनी ही जल्दी बच्चेदानी का मुंह इजिली खुलेगा। तो आपके पास जरूर ध्यान रखनी, काफी जगह ऐसा हो चुका है कि अगर आप अपने हस्बैंड को चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, बट अभी भी इंडिया में काफी जगह अलाउड नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पहले से ही बात करें, आप अपने साथ में अपनी सासू माँ या फिर मम्मी जो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहे आप उनको बिल्कुल ले जा सकती हैं। और उसके बाद में अगला प्रोसेस जो होगा कि जैसे ही आपका बच्चेदानी का मुंह काफी हद तक खुल जाएगा तो डॉक्टर जो है अगर उनको लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है तो वो जो है उसमें दवा बिल्कुल रख देंगी, जिससे आपका पूरा मुंह ओपन हो जाएगा एंड बच्चा इजिली बाहर आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना है आपको कि आप जितना अच्छे से पुश करेंगी, आप जितना नीचे को प्रेशर देंगी, आप जितनी नीचे को ताकत लगाएंगी उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी होगी। आपको एक बात ध्यान रखनी, गलती से भी सांस ऊपर ना खींचे। अगर आप सांस ऊपर खींचती हैं तो बच्चा ऊपर को जाएगा एंड अगर आप सांस नीचे देती हैं तो बच्चा नीचे जाएगा।
तो एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो रोल रहता है 99% रोल आपका ही रहता है, क्योंकि आपको पूरा पुश करना है, आपको पूरी ताकत लगाना है, आपको बच्चे को वजाइना तक लेके आना है, और जैसे ही वजाइना के बाहर बच्चे का सर दिखना स्टार्ट हो जाता है, फिर डॉक्टर का वहां से रोल स्टार्ट हो जाता है। एंड डॉक्टर जो है क्या करती है, कुछ बच्चे थोड़ा सा हैवी होते हैं और बच्चे तनिक का मुंह थोड़ा सा कुछ छोटा लगता है, तो डॉक्टर क्या करती है, थोड़ा सा चीरा भी लगा देती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे सुन्न करके चीरा लगाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एंड जिससे कि बच्चा इजिली बाहर आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत तगड़े होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं, तो जिस वजह से किसी किसी महिलाओं को चीरा लगता है तो किसी किसी को नहीं लगता है। और अगर यही डिलीवरी घर पे होती है तो घर पे क्या होता है, चीरा नहीं लगाते बल्कि घर पे खाल फट जाती है, उतनी ही बच्चा खींचा जाता है। एंड एक बात बता दूं, सबसे पहले आपकी पानी की थैली फटती है, पानी की थैली फटने के बाद में आपका बच्चा जो है इजिली बाहर आ जाता है, एंड उसके बाद में प्लासेंटा को बाहर निकाल लेती है डॉक्टर्स। एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही बच्चा आपका बाहर आ जाए तो आपको गलती से भी सांस ऊपर नहीं लेनी है, क्योंकि प्लासेंटा अभी भी आपके अंदर है, तो लेडीज ऊपर सांस कर लेती तो प्लासेंटा ऊपर अटक जाता है, जिस वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है। तो जब भी बच्चा होने के बाद में, बाहर आने के बाद में, सांस को बिल्कुल रोक के रखें उस टाइम पे, ना तो ऊपर खींचे ना ही नीचे खींचे, ताकि इजिली जो प्लासेंटा है वो बिल्कुल डॉक्टर आराम से बाहर निकाल ले, उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उसके बाद में आपकी जो है वजाइना की सफाई दी जाती है, फिर आपको जो है कॉटन का कपड़ा वगैरह कोई साफ सुथरा आप घर से ही लेके जाए वो लगा दिया जाता है, क्योंकि तुरंत ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारी 9 महीने से रुकी पड़ी होती है। उसके बाद में आपको जो है रिलैक्स करने के लिए बोला जाता है, एंड बिल्कुल इजीली हमारी डिलीवरी हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं है। और एक बात और बता दूं कि जैसे कुछ लोगों के डर रहता है कि कहीं पे डॉक्टर्स बहुत मारती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, तो मैं बता दूं हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ लेडीजें क्या करती हैं, इस टाइम पे जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, तो बुरी तरह चीखती हैं, बुरी तरह चिल्लाती हैं, बुरी तरह हाथ पैर पटकती हैं, तो डॉक्टर को मजबूरन उन्हें डांटना पड़ता है बहुत कस के, क्योंकि अगर आप उस समय बहुत बुरी तरह से हाथ पैर पटक रही हैं, बहुत बुरी तरीके से दर्द ले रही हैं, तो इससे बच्चे के मुंह में गंदा पानी जा सकता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे डॉक्टर को बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि लेडीज नहीं मानती है। मुझे मालूम है असहनीय दर्द होता है, लेकिन आप एक बात सोचिए, आप बहुत ज्यादा चिल्लाएंगी, बहुत ज्यादा चीखेंगी, तो इससे क्या कम हो जाएगा, बल्कि इससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप डिहाइड्रेट होने लगेंगी, आपका गला सूखने लगेगा, आपको बहुत दिक्कत होगी, बीपी आपका लो हो सकता है, बीपी आपका हाई हो सकता है। तो बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं है, हाँ आप थोड़ा सा आपका मन करे तो आप रो लीजिए, इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि चीखना इस समय बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, जब भी आपको बहुत ज्यादा दर्द आए तो आप किसी को पकड़ ले, किसी पाइप को पकड़ ले, मतलब किसी ऐसी चीज को पकड़ ले जिसमें आप पूरा प्रेशर उसी पे लगा दें, इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, एंड आप नीचे को पुश करें, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो है आपकी हिम्मत, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया पहली बार में बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इस बीच में आप अपने आप को पानी पीते रहे, एंड आप एक गिलास दूध घी डाल के जरूर लें, इससे आपकी जो बच्चेदानी है उस पर काफी ज्यादा चिकनाहट आएगी, जिससे बच्चा नीचे को आएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जरूर खाती रहे, एंड थोड़ा रिलैक्स करती रहे, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, एंड बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यही छोटा सा प्रोसेस होता है और आपके साथ वहां पे कोई भी कुछ भी गलत नहीं होता है, एंड डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बहुत अच्छे से समझाती है। और एक बात और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लग रहा होगा ये सब होता है तो शर्म, मैं बता दूं आपको यहाँ पे शर्माने वाली कोई जरूरत नहीं, क्या शर्माना, लेडीज डॉक्टर है, कोई जेंट्स नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज, मैं भी यही सोचा करती थी कि बहुत शर्म आती है, और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कोई शर्म नहीं लगती गाइस, मतलब बस उस समय तो सिर्फ भगवान याद आते हैं, सिर्फ ऊपर वाला याद आता है कि प्रभु कैसे भी करके निपटा दीजिए, एंड कोई शर्म नहीं लगती है। और ये शर्म बरम ना जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचते नहीं है तभी तक लगती है, वो आपको बता रही हूँ, नेचुरली ऐसा हो जाता है कि उस समय शर्म सब खत्म हो जाती है, वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बिल्कुल भी डर वर कुछ शर्म बरम कुछ नहीं लगने वाली। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको डरना नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है, अगर आप डर जाती है, आप नर्वस हो जाती है, तो आपका बीपी हाई एंड लो हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ सकते हैं, तो इन बात का जरूर ध्यान रखें, अपने आप को परेशान ना करें, बिल्कुल नॉर्मल रहें एंड रिलैक्स रहें, तो अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल एंजॉय करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।